हेलो एवरीवन एंड वेरी वेलकम बैक टू बायोलॉजी ग्लो, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिकैपिचुलेशन थ्योरी एंड बायोजेनेटिक लॉ सो इस लॉ को अदर नेम्स लाइक बायोजेनेटिक लॉ या इसको हम थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन या इसे एक अदर नेम विच इज़ एम्ब्रियोलॉजिकल पैरलिज़म के नेम से जाना जाता है और एक बहुत जो फेमस फ्रेज है विच इज ऑनटोजेनी रिकैप्युलेट्स फायलोजेनी इस फ्रेज के थ्रू इज थ्योरी ऑफ रिकैप्युलेशन या बायोजेनेटिक लॉ को एक्सप्लेन किया जाता है तो बिफोर गोइंग कि हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन करें कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमें समझना है दिस इज ऑनटोजेनी एंड फायलोजेनी तो ऑनटोजेनी क्या होता है ऑनटोजेनी इज द ग्रोथ मीन्स साइज चेंज एंड डेवलपमेंट मीन्स स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म तो किसी ऑर्गेनिज्म के जब साइज में चेंज हो रहा है उसके स्ट्रक्चर्स में चेंज हो रहा है देन उसको हम बोलेंगे ऑनटोजेनिक लाइक अगर हम ह्यूमन बींग का डेवलपमेंट इस तरह से बढ़े कि फर्टिलाइजेशन हुआ जाइगोड बना जाइगोड से एम्प्रियो बना ब्लास्टुला बन रहा है गैस्ट्रोला बन रहा है देन पूरा ह्यूमन जो है वो डेवलप हो रहा है फीटस देन हम बोलेंगे दिस इज ऑनटोजनी यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है साइज में चेंज आ रहा है देन फाइलोजेनी क्या है फाइलोजेनी इज़ द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ स्पीशीज़ मीन्स अगर हम ह्यूमन की बात करें और हम ह्यूमन की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखें कि हम देखें कि पहले फिशज आई देन एम्फीबियंस आए देन रेप्टाइल्स आए देन बर्ड्स आए देन वहाँ से मैमल्स आए तो ये जब ऐवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं तब देन दिस इज़ नोन एज फाइलोजनी ठीक तो ऑनटोजेनी एंड फायलोजनी एक चीज़ जो याद रखनी है जो बुक्स में नहीं दी होती है जनरली ये जो आइडिया है इस थ्योरी का वो दिया था 1820 में इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय एटनी सेरिस बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ जोहान फेडरिक मैकल तो ये दोनों लोग थे दैट्स व्हाई दिस इज़ आल्सो नोन एज मैकल सेरिस लॉ बट ये बुक्स में नहीं दिया जाता है बुक्स में बेसिकली बॉन एंड हैकल का ही नेम देखने को मिलता है तो ये क्या कहता है ऑनटोजे फाइलोजेनी का मतलब क्या है कि द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ एन एनिमल फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू जेस्टेशन या हैचिंग इस ये क्या हो गया ऑनटोजेनी गोस थ्रो स्टेजेस रिजेंबलिंग और रिप्रेजेंटेटिव representing successive adult stages in the evolution of animals remote ancestors which is phylogeny i hope aapko ek baar mein clear nahi hua hoga isliye hum ek picture dekhte hain dekhiye इस picture को जब आप observe करोगे तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे structures हैं जो fishes से लेकर के human के embryos तक हमें वो common दिख रहे हैं This is gill slits like structures. जो कि फिशेस के अंदर पाए जाते हैं और हम देख रहे हैं कि इवोल्यूशन होता गया बट स्टिल ये जो गिल स्लिट्स जो कि फिशेस में प्रेजेंट रहते हैं उसको रिजेंबल करते हुए स्ट्रक्चर्स हमें अलग 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 स्टेज़स में देखने को मिल रहे हैं जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जा रहा है तो ये क्या कह रहा है कि ऑनटोजनी जैसे कि ह्यूमन का अगर हम ऑन्टोजेनी की बात करें तो इस तरह ये अगर हम ग्रोथ पढ़ रहे हैं कि साइज में चेंज एंड डेवलपमेंट में चेंज स्ट्रक्चर में चेंज दिस इज ऑन्टोजेनी तो ये कहता है कि जो ह्यूमन की ऑन्टोजेनी है मींस ह्यूमन में जो स्ट्रक्चरल एंड साइज में चेंज हो रहा है ठीक है एम्ब्रायो वो जो चेंजेस हो रहे हैं वो जिस जिस स्टेजेस से पास हो रहा है मीन्स फर्स्ट सपोज दिस ये स्टेज है इस ये जो स्टेज है वो रिजेंबल करती है विद द अडल्ट ऑफ प्रिमेटिव एंसेस्टर्स तो ह्यूमन ह्यूमन के प्रिमेटिव एंसेस्टर्स कौन है फिशेज हैं देन एम्फीबियंस हैं रेप्टाइल्स हैं बर्ड्स हैं तो ये कहता है कि ह्यूमन के डेवलपमेंट में जो अलग अलग स्टेजेस हैं ये स्टेज रिजेंबल करती हैं विद द अडल्ट ऑफ प्रिमेटिव एनसेस्टर्स आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा इससे क्या पता चल रहा है दिस इज ऑनटोजनी रिकेप्युलेट्स फायलोजेनी मीन किसी एक इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट होता है उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं वो स्टेजेस रिजेंबल करती हैं विद द विदल्ट ऑफ सम समीमिटिव एनसेस्टर सो यही है ऑन्टोजेनी रिकेप्युलेट फाइलोजेनी अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट है राइट यही दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ एन एनिमल्स सपोज ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट हुआ और हैचिंग तक मीन्स ऑनटोजेनी ह्यूमन का डेवलपमेंट जो हुआ मीन्स ऑनटोजेनी गोज थ्रू स्टेज वो जिन जिन स्टेजेस से पास होता है वो स्टेजस रिप्रेजेंट करती हैं सक्सेसिव अडल्ट स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स रिमोट एनसेस्टर्स वो रिजेंबल करती हैं स्टेजेस विद द अडल्ट ऑफ सम एनसेस्टर एनिमल राइट सो हैल ने क्या क्लेम किया कि डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड स्पीशीज किसी भी जो एडवांस्ड स्पीशीज है जैसे कि ह्यूमन है उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है और ये स्टेजेस क्या रिप्रेजेंट करती है दी थ्रो स्टेजेस रिप्रेजेंटेड बाई अडल्ट ऑर्गेनिजम ऑफ मोर प्रिमेटिव स्पीशीज ठीक सो दिस इज हैकल्स बायोजेनेटिक लॉ तो ये जो रिकेप्युलेशन थ्योरी है इसे प्रपोज किया था बॉन्डियर ने एटीन ट्वेंटी एट में बट इसको रिवाइज एंड रीनेम्ड किया था रीनेम्ड किया था बायोजेनेटिक लॉ बाय द अर्निस्ट है अब आपको समझ में आ गया कि एवरी ऑर्गेनिजम ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट रिपीट्स और रिकेप्युलेट्स इन एंड एवरीविएटेड फॉर्म द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ इट्स रेसिस इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे uh, एक तो अभी हमने गिल स्लिट्स का एग्जाम्पल देखा ठीक है कि गिल स्लिट्स के जो टाइप के जो स्ट्रक्चर जो कि फिशेज में पाए जाते हैं गिल स्लिट्स उसको रिजें्पल करते हुए स्टेजेस जो अदर एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी अलग अलग स्टेजेस में देखने को मिलते हैं इवन ह्यूमन के एमरायो में भी गिल स्लिट्स टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं फिरेंजियल आर्चेस ठीक है arches, वो देखने को मिलती हैं तो ह्यूमन uh, डेवलपमेंट से हम इसको जैसे समझ सकते हैं एन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्मीट इट्स एनसेस्ट्रल हिस्ट्री ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट विच कैन बी इलेस्ट्रेटेड बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं जैसे कि अगर हम फर्टिलाइज्ड एग को देखें ठीक है ह्यूमन के अंदर अगर हम देखें या किसी भी इंडिविजुअल में देखें तो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद द सिंगल सेल्ड एंसेस्टर ऑफ ऑल दी एनिमल्स कोई भी एनिमल है उसकी शुरुआत यहीं से हुई है तो देखिए कॉमन जो है वो पैरेंट कॉमन ओरिजिन इसका रिजेंबल हो रहा है देन ब्लास्टुला को कंपेयर किया जा सकता है टू अ प्रोटोजोन ठीक है ब्लास्टुला प्रोटोजोन्स को रिजेंबल करता है और जिस प्रोटोजोआ से ही आगे जाकर के सारे मेटोजोन्स मिल रहे हैं यानी आप देख रहे हो कॉमन एंसेस्ट्री है ठीक है वो चीज स्टेजेस डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो एडवांस होते गए उन्होंने एक इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कुछ स्टेजेस फॉलो कि और वो स्टेजस जो हैं वो उनके जो प्रिमिटिव एनसेस्टर्स हैं उनके उनको रिजेंबल करते हैं उनके एडल्ट को इसी तरह से गैस्ट्रोला जो है वो रिप्रजेंट करता है एक सीलन ट्रेटा एनसेस्टर को ठीक है जो एम्ब्रियो जिसके अंदर म्यूजोडम जो है डेवलप हो चुकी है वो फ्लेटफॉर्म्स uh, के अंदर टिप्लोब्लास्टिक टिप्लो से कंपेयर किया जा सकता है इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स है इनको आप पढ़ सकते हैं जैसे हार्ट का डेवलपमेंट हम, हम देखते हैं तो हम देखते हैं फिशेस के अंदर दिस इज टू देन एम्फीबियंस में थ्री चैम्बर्ड हो गया ह्यूमन में आते आते फोर चैम्बर्ड हो गया तो आप देखिए इवोल्यूशन होता जा रहा है ठीक है ह्यूमन का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हार्ट uh, का डेवलपमेंट देखेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से टू चैम्बर्ड थ्री चैम्बर्ड इस तरह से फॉलो हो रहा है एक पैटर्न देन एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है जैसे कि सेवन्थ मंथ का जब इंटर यूटराइन डेवलपमेंट हो रहा है ह्यूमन एम्ब्रियो का जब वो सेवन्थ मंथ में होता है तो वो रिजेंबल करता है ह्यूमन एम्ब्रियो टू अ बेबी एप क्योंकि उसकी पूरी बॉडी ह्यूमन एम्ब्रियो की वो कवर्ड रहती है विथ हेयर एंड प्रपोर्शनली लॉन्गर फोर लिम्स देखिए जो ह्यूमन का एम्ब्रियो है ठीक है सेवन्थ मंथ में वो रिजेंबल कर रहा है किससे जो उसके प्रिमेटिव है यानी कि जो ऐप है उसके अडल्ट से ठीक है एप की पूरी बॉडी कवर रहती है हेयर से और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमन एम्ब्रियो है ठीक है मैं अडल्ट नहीं बोल रही हूँ एम्ब्रियो यानी कि इसकी जो ऑनटोजेनी है वो रिकेप्चुलेट कर रही है फाइलोजेनी को ठीक है तो यहां से क्लियर हो गया इट मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑनटोजेनी इन अ मैन रिकेप्युलेट्स द हिस्ट्री ऑफ रेसेस ऑफ रेसेस फाइलोजेनी ठीक है आई होप आपको ये क्लियर होगा कुछ और भी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये इनको याद रखना है जैसे कि जिससे कि हम रिकेप्युलेशन को समझ सकते हैं जब आप फ्रॉक का स्टडी कर रहे होते हैं फ्रॉक के लावा के बारे में बात करें जो कि टेडपोल लावा होता है ठीक है इस टेडपोल लावा के अंदर जो ये लार्वा है वो एक्वेटिक होता है और इसके अंदर बहुत सारे फिश लाइक कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि गिल्स प्रेजेंट होता है स्लिट्स प्रेजेंट होता है टेल जिस जिसमें कि टेल फिन प्रेजेंट है एंड लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन ठीक है तो ये जो टेडपोल लार्वा है फ्रॉग में उसके अंदर ये सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं ठीक है थीके? इसका मतलब ये जो फ्रॉग का डेवलपमेंट हुआ है वो कहाँ से हुआ है फिशेस लाइक एनसेस्टर्स से हुआ है ठीक है दिस सजेस्ट फ्रॉग हैज हैजोल्व फ्रॉम सम फिश लाइक कैरेक्टर्स एनसेस्टर्स इसी तरह से अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें प्लांट्स में तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत नहीं होती ठीक है इससे पहले जब हम पढ़ते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ठीक है थीके? उनको वाटर रिक्वायर्ड होता है फर्टिलाइजेशन के लिए इसलिए इनके अंदर फ्लैजिलेटेड जो स्पर्म्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं लेकिन अगर हम देखें जो जिम्नोस्पर्म प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स हैं ठीक है प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट भी होती है फर्टिलाइजेशन के लिए एंड दे हैव फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स इसका मतलब क्या है कि ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं किससे आए हैं टेरेटोफाइट से इवॉल्व हुए हैं ठीक है थीके? दिस सोस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द जिम्नोसपम एंड टेरिडोफाइट्स देख रहे हैं आप जिम्नोसपम की जो ऑन्टोजेनी है मतलब जब जिम्नोसपम का जो डेवलपमेंट है तो उसकी एक डेवलपमेंट स्टेज जो है वो किसको रिजेंबल कर रही है टेरेडोफाइट्स को ठीक है so, सो यहाँ पे भी ऑनटोजेनी रिकैप्युलेट्स फायलोजेनी इसी तरह से जो मॉसेस एंड फर्न होते हैं ठीक है थीके? उनके अंदर एक स्टेज में फिलामेंटस प्रोटोनीमा पाया जाता है फिलामेंटस प्रोटोनीमा जो है वो ग्रीन एल्गी से रिजेंबल करता है तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो मॉसेस एंड फर्म का डेवलप फर्न का डेवलपमेंट हुआ ठीक है उसकी जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं वो किससे मैच करी हैं विद दैट ऑफ द ग्रीन एल्गी ठीक है सो so, इससे समझ में आता है कि ब्रायोफाइट्स टेरोडोफाइट्स कहाँ से ब्रायोफाइट्स uh, अभी हमें समझ में आए थे यहाँ से कि uh, टेरडोफाइट से आए और यहाँ से समझ में आ गया क्योंकि ग्रीन एलगी से ही जो है ब्रायोफाइट्स एंड टेरडोफाइट्स का डेवलपमेंट हुआ है इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिनसे uh, ये बायोजेनेटिक लॉ समझा जा सकता है कुछ इनवोटिब्रेट्स हैं जहाँ से uh, जिनका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि जब हम अडल्ट इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो हम उनके यहाँ देखते हैं कि उनके अंदर थ्री पेयर ऑफ़ ठीक है वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन जब हम इनका एम्ब्रियो देखते हैं तो एम्ब्रियोज़ में अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे सेगमेंट होते हैं और हर एक सेगमेंट में वन पेयर ऑफ प्रमोडिया ऑफ लेग प्रेजेंट होता है ठीक है इनके एम्बरायोज़ में तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि जो इंसेक्ट्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम एन एन्सेस्टर उस ऐसे एनसेस्टर से इन्वॉल्व हुए हैं जिसके Uh, जो अपेंडिजेज हैं वो सेगमेंटली अरेंज है ठीक है मतलब हर एक सेगमेंट में क्या है अपेंडिज प्रेजेंट है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं विच इज़ बायोकेमिकल रिकेप्युलेशन इसको आप कैसे समझ सकते हो जैसे कि आपने आप जानते हो कि जो फिशेज होती हैं ठीक है फिशेज़ के अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो क्या एक्सक्रीट करती हैं अमोनिया ठीक है फिशेज के अंदर इसी के साथ जब अडल्ट फ्रॉग होता है ठीक है अडल्ट फ्रॉग की बात करें या कुछ और एम्फीबियंस हैं वो सिक्रीट करते हैं यूरिया को ठीक है जबकि इनका जो लावा होता है फ्रॉग तो यूरिया को सिक्रीट करता है लेकिन इसका जो लावा होता है फ्रॉग का टेडपोल लार्वा वो अमोनिया ही सिक्रीट करता है अमोनिया जो कि फ़िशेज में सिक्रीट हो रही है ठीक है थोड़ा सा आइडिया लगा कि फ्रॉग कहाँ से इवॉल्व हुए हैं फिशेज से इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें बर्ड्स की तो बर्ड्स आपको पता है क्या सिक्रीट करती हैं एक्सक्रीट करती हैं यूरिक एसिड ठीक है लेकिन इनका जो एम्ब्रायो होते हैं वो पहले ये सिक्रीट करते हैं अमोनिया देखिए रिकेप्चुलेट हो रहा है अमोनिया ठीक है और लेटर स्टेजेस में वो सिक्रीट करते हैं यूरिया को तो देखिए एक पैटर्न फॉलो हो रहा है बर्ड्स के अंदर कि पहले उनका एम्ब्रायो अमोनिया सिक्रीट करता है देन यूरिया सिक्रीट करता है एंड देन जो बर्ड्स मैच्योर हो जाते हैं वो यूरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं तो ये देखिए ठीक है ये वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो पहले फिशेस देन फ्रॉग ठीक है में फॉलो हुआ देन बर्ड्स के अंदर यूरिक एसिड डायरेक्टली नहीं सिक्रीट हो रहा फर्स्ट अमोनिया देन यूरिया देन यूरिक एसिड तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है रिकेप्चुलेशन हो रहा है तो ऑनटोजनी रिकप्चुलेट्स फाइलोजनी यहाँ से क्लियर होता है बॉर्न बीयर जो है थोड़ा सा डिफरेंस है बुक में ऐसा समझाते नहीं है बट डिफरेंस क्या है वॉन बियर प्रिंसिपल्स ऑफ एम्ब्रियो एम्ब्रियोनिक डिफ्रेंसीशन इन्होंने भी बायोजेनेटिक लॉ पे बात की मेन डिफरेंस यहाँ पे आता है देखिए जिस तरह से हैक्ल बोलते हैं कि ऑनटोजनी रिकेप्युलेट फाइलोमजेनी मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग स्टेजेस से पास हो रहा है सपोज वन टू तो थ्री फोर नाम दे देते हैं तो ये जो स्टेजेस हैं वो किसी जो एनसेस्टर है प्रिमेटिव एंसेस्टर उसकी किसी अडल्ट स्टेज को रिजेंबल करती हैं लेकिन यहीं पे वॉन वॉनवियर ये बोलते हैं कि सपोज दिस इज़ एम्बरा तो उनके कहने का मतलब है कि जो एम्बरा में जो है वो किसी अडल्ट प्रिमेटिव को रिप्रेजेंट नहीं करता एम्ब्रायो जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज़म्स का अपने जो प्रिमेटिव एंसेस्टर्स हैं उनके एम्ब्रायो को ही रिजेंबल करेगा ठीक है अब बॉन्डवियर के प्रिंसिपल्स समझते हैं तो बॉन्डवीयर ने ये कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक अपीयर होती हैं डेवलपमेंट में ठीक है देन उसके बाद स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर्स इन द डेवलपमेंट अर्ली एंड स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स लेटर ऑन फ्रॉम द मोर जनरल सबसे पहले कॉमन कैरेक्टर्स होंगे देन उनमें जैसे दो ऑर्गेनिजम्स हैं स्टार्टिंग में क्या होगा एमरीओज में कि इनके अंदर बहुत कुछ कॉमन होगा देन धीरे धीरे कॉमन चीजें कम होती जाएंगी देन स्पेशलाइज्ड फीचर्स आते जाएंगे एंड एनिमल ड्यूरिंग डेवलपमेंट डिपार्ट प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द फॉर्म ऑफ अदर एनिमल्स ठीक है धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन आता जाता है तो इन्होंने बोला यंग स्टेजेस ऑफ एनिमल डू नॉट रिजेंबल विद द अडल्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप बट दे रिजेंबल विद दियर एम्ब्रायोस ठीक है कि जो यंग स्टेजेस हैं ठीक है वो अडल्ट जो एंसेस्टर ऑर्गेनिज्म उनके एडल्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही बल्कि उनकी एम्ब्रायोस को भी रिप्रेजेंट करती हैं जनरली क्या होता है कि जब रिकेपचुलेशन की बात होती है तो हम अर्नेस्ट हैकल का व्यू डिस्कस करते हैं जो अभी हमने प्रीवियस बात की एंड दैट्स इनफ बट हमें थोड़ा सा ब्रॉड uh, परसेप्शन uh, भी रखना चाहिए दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग दिस विथ यू ठीक है अभी इसका मॉडर्न स्टेटस क्या है क्या रिकेपचुलेशन थ्योरी को पूरा सही मान लिया गया है ये थोड़ा सा जान लेना चाहिए हमें बात समझ में आए क्योंकि आज अगर हम बात करें तो मिड नाइन ट्वेंटी एथ सेंचुरी में ही इसको एक बायोलॉजिकल माइथोलॉजी बोल दिया गया बायोजेनेटिक लॉ को क्योंकि उनका मानना था कि एम्ब्रायोज जो होते हैं इवॉल्व इन डिफरेंट वे The shortcoming of the theory has been recognized by early 20th century and, and it has been relegated to biological mythology by the mid 20th century. Darwin said that embryos resemble each other since they shared a common ancestor which presumably had a similar embryo. But that development did not necessarily recapitulate phylogeny. सॉ नो रीजन टू सपोज दैट एन एम्ब्रायो एट एन एनी स्टेज रिजेंबल्ड एन एडल्ट ऑफ एनी एनसेस्टर तो ये वही बात कह रहे हैं कि कुछ जरूरी नहीं है कि जो एम ये भी ये नहीं मानते कि एम्ब्रायो जो है वो किसी अडल्ट एनसेस्टर को रिजेंबल करेगा ठीक है तो ये भी डिनाई करते हैं दाविन डाविन का ये कहना था कि ये जो एम्ब्रायोज़ हैं ठीक है थीके? ये आपस में मैच हो सकते हैं क्योंकि इनका एंसेस्टर क्या है कॉमन है लेकिन जब जब क्या होगा स्पेशलाइजेशन होता जाएगा सपोज दिस इज़ अ फिश ठीक है ये एम्फीबियन है दिस इज़ रेप्टाइल्स ठीक है तो इनका कहने का मतलब है कि जो एम्ब्रायोज होंगे इनके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के वो तो एक दूसरे को रिजेंबल करेंगे बट ऐसा नहीं होगा कि, कि जो रेप्टाइल है ठीक है रेप्टाइल का सपोज ये जो स्टेज है वो फिशेस uh, के अडल्ट ऑर्गेनिज्म को रिजेंबल करे जो हैकल ने बोला था तो ये डिनाई करते हैं उससे इनका ऐसा मानना क्यों था डाविन सपोज फर्दर दैट एम्ब्रायोजे सब्जेक्ट टू लेट्स इंटेंस सिलेक्शन प्रेशर देन अडल्ट एम हैड देयर फोर चेंज लेस क्योंकि उनका मानना था कि सपोज ये एम्ब्रायोज है एम्ब्रायोज से डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स डेवलप हो गए तो इनका कहना था कि जो इंडिविजुअल होता है उसको सिलेक्शन प्रेशर ज़्यादा फेस करना पड़ता है एम्ब्रायस को फेस नहीं करना पड़ता इतना सिलेक्शन प्रेशर दैट्स वाई एम्ब्रायस में इतना चेंज नहीं आया बट ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सिलेक्शन प्रेशर ज़्यादा फेस करना पड़ा है तो उसमें ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं तो इस तरह से इन्होंने रिकेपचुलेशन थ्योरी को डिनाई किया तो सिलेक्शन प्रेशर आप सभी जानते होंगे कि ये क्या होते हैं एक्सटर्नल लेजर्स एजेंट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी को सर्वाइव को जो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है सर्वाइव करने की एक इन्वायरमेंट में उसको अफेक्ट करते हैं ठीक है तो एम्ब्रायोज़ को इतना सिलेक्शन प्रेशर नहीं आ रहा ठीक है दैट्स वाई दे आर नॉट उनके अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं ठीक है दैट्स वाई जो एम्ब्रायोज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के ठीक है वो आपस में रिजेंबल करेंगे बट ऐसा नहीं होगा कि एम्बरा जो है वो जाकर के प्रिमेटिव जो एंसेस्टर है उसके अडल्ट को रिप्रेजेंट कर को रिजेंबल करें ठीक सो मॉडर्न स्टेटस थोड़ा सा देख लेते हैं तो मॉडर्न इवोल्यूशनरी डेवलपमेंटल बायोलॉजी इवो डेवो फॉलोज वनवेर तो अभी जो मॉडर्न स्टेटस है वो ये है कि वॉनवेयर को फॉलो ज्यादा करता है रेदर देन डाविन इन पॉइंटिंग टू एक्टिव

ह्यूमन है इसका एम्ब्राय फिश जो है उसको रिजेंबल करे मीन्स इसके एडल्ट को रिजेंबल करे जो कि हैक्ल बोलते हैं ठीक है तो अब क्या है देखिए आप बुक में पढ़ेंगे आपसे रिकेपचुलेशन थ्योरी पूछी जाएगी आप वही एक्सप्लेन करेंगे जो हैक्कल ने बोला दिस ऑल आई एम डिस्कसिंग इज फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग तो अभी क्या है हेकेली जो फॉर्म है रिकेपचुलेशन थ्योरी की वो डिस फंक्ट मानी जाती है ठीक है क्योंकि हर एक जो एम्ब्रायो है ठीक है Uh, वो डिफरेंट डिफरेंट एम्बरायो के जो डिफरेंट पार्ट हैं वो भी अलग अलग तरह से भी डेवलप हो सकते हैं ठीक है तो एम्बरायोज डू रिफ्लेक्ट द कोर्स ऑफ रिवलेशन बट दैट कोर्स इज फार मोर इंट्रीकेट एंड क्विर्की देन हैक्कल क्लेम ठीक है तो जैसा हैक्कल ने क्लेम किया वैसा नहीं है देखिए एक एम्बरायो के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है ठीक है ऑफ द सेम एम्ब्रियो कैन इवन इवॉल्व इन डिफरेंट डायरेक्शन एज अ रिजल्ट बायोजेनेटिक लॉ वॉज एमेंडेंट एंड इट्स फॉर फ्रीड साइंटिस्ट टू अप्रिशिएट द फुल रेंज ऑफ एमरा चेंजेस दैट इवोल्यूशन कैन प्रोड्यूस एंड एप्रिसिएशन दैट हैजेड स्पेक्टिकुलर रिजल्ट इन रिसेंट ईयर एज साइंटिस्ट है स्पेसिफिक जीन्स डैट कंट्रोल डेवलपमेंट तो बात यह है कि हेलियन जो एक्सप्लेनेशन है कि ऑनटोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी वो पूरी तरह से Uh, वो नहीं है कि उसको पूरा एक्सेप्ट नहीं किया गया है बाय द साइंटिस्ट कम्युनिटी अदरवाइज जब आप एग्जाम में लिखते होते हैं जनरल अंडरस्टैंडिंग जब चाहिए होती है तो ऑन्टोजेनी रिकेपुलेट्स फाइलोजेनी को एक्सप्लेन कर दीजिए उसके एग्जाम्पल्स दे दीजिए जो हमने प्रीवियस डिस्कस किए दैट्स इनफ दैन जो एक्स्ट्रा जो मैंने uh, आपको प्रोवाइड किया कंटेंट दैट्स फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर